हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका हमारे चैनल गजब यात्रा पे। और गजब यात्रा पे आज मैं रिव्यू करने जा रही हूं क्लब महिंद्रा मुन्नार का। तो चलिए मेरे साथ और हम देखते हैं क्लब महिंद्रा मुन्नार का व्यू। तो फ्रेंड्स, क्लब महिंद्रा के बाहर से आपको क्लब महिंद्रा का कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा और इसी के साथ में क्लब महिंद्रा का एक और रिजोर्ट भी साथ में ही है, लेकिन ये रिजोर्ट ज्यादा बेटर माना जाता है। और ये इसके बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे कुछ फाउंटेन्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए कंप्लीट व्यू, बहुत ही अमेजिंग ये रिजोर्ट है। और एंटर करते ही आप ये ट्रेडिशनल केरला वाली वाइब्स यहाँ पे ले सकते हैं। एंट्रेंस पे ही आपको कथकली डांस वाली ये स्टैचू देखने को मिलेगी और ये है इनका रिसेप्शन। और अब मैं आपको इस रिजोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दिखाती हूँ जो कि है यहाँ के रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे आपको 4 रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे। एंट्रेंस पे ही आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट की ये ट्रेडिशनल केरला के बहुत सारे स्टैचूज। और यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन पे मैच वगैरह भी देख सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका एले काटे का भी अलग से ही रेस्टोरेंट इन्होंने बनाया हुआ है। और ये है इनका सबसे स्पेशल रेस्टोरेंट जो कि बाहर की साइड है और यहाँ से आप केरला के टी गार्डन्स का पूरा व्यू ले सकते हैं। और ग्राउंड फ्लोर पे इनका ये हैप्पी हब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ इनडोर एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप काफ़ी गेम्स खेल सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ से साइकिल रेंट पे लेके साइकिलिंग भी कर सकते हैं टी गार्डन्स का व्यू का मज़ा लेते हुए, जो कि रेंट पे आपको यहाँ पे साइकिल्स मिल जाएंगी। और ये है क्लब महिंद्रा मुन्नार के बाहर का व्यू, बहुत सारे टी गार्डन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इन टी गार्डन्स का भी पूरा इंजॉयमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका रूम। तो फ्रेंड्स, क्लब महिंद्रा में जिस रूम में हमने स्टे किया है वो है होटल यूनिट। तो वो रूम मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये 2214 हमारा रूम है और आप देख सकते हैं एंटर करते ही यहाँ पे इन्होंने अलमीरा दी हुई है। इसके अंदर आपको लॉकर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। फिर उन्होंने ये छोटा सा किचनेट दिया हुआ है जहाँ पे केटल वगैरह दी हुई है, इन्होंने ग्लासेस दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिज अवेलेबल नहीं है जैसे कि इनकी और प्रॉपर्टीज में अवेलेबल होता है। उसके बाद आप ये मिरर देख सकते हैं, लगेज रखने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये टीवी यूनिट और ये किंग साइज बेड और इसके ऊपर ये पेंटिंग, बहुत ही अच्छी इन्होंने पेंटिंग भी लगाई हुई है। काफी सारे इस रूम में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हुई है। और ये देखिए कितना बड़ा, एक जना इस पे सो भी सकता है, इतना बड़ा इन्होंने यहाँ पे ये सोफा भी दिया हुआ है। तो 3 जने भी अगर हैं तो यहाँ पे इजीली स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये देखिए जैसा इस रिजोर्ट का बाहर से स्ट्रक्चर है उस टाइप में बालकनी वाला स्ट्रक्चर इन्होंने रूम में भी एज अ डिजाइन किया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। पीछे ये विंडो दी हुई है और इन शॉर्ट बहुत ही अमेजिंग ये रूम है। और ये विंडो से आप व्यू देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के वॉशरूम। ये देखिए गाइस, वॉशरूम के डोर पे इन्होंने ये मिरर दिया हुआ है फुल साइज। और ये है इनके वॉशरूम, आप देख सकते हैं बहुत ही सही ये वॉशरूम्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत क्लीन। तो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट बहुत ही अच्छा और काफ़ी
होटल यूनिट है ये, लेकिन फिर भी बहुत ही बड़ा सा ये रूम इन्होंने दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा हमें तो ये रूम लगा। अगर आप मुन्नार में आते हैं तो आप क्लब महिंद्रा में स्टे करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा हमें तो ये रिजोर्ट लगा। तो फ्रेंड्स, ये था क्लब महिंद्रा रिजोर्ट। और इस रिजोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ तक जाने के लिए जो आपको व्यूज देखने को मिलेंगे रास्ते में, वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आप कोई भी टी एस्टेट में जाके 50 से 100 रुपीज टिकट प्राइस लगता है, आप टी गार्डन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। पूरे मुन्नार में ऐसे व्यूज आपको बहुत लिमिटेड ही जगहों पे देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ पे क्लब महिंद्रा जाते टाइम आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रैवल प्लेस पे।